दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट वांटेड है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ाने में मास्टरों की हवा खराब होती है भैया, पढ़ाते ही नहीं है वो, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बिल्कुल कायदे से ये टॉपिक आपको समझाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफी डिटेलिंग करेंगे हम इसके अंदर, मोस्ट वांटेड है। चलिए शुरू करते हैं भाई। समझो, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दो है मेरे भाई, एक है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और एक है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। इन दोनों में से एक पेपर में जरूर आएगा मेरे भाई, और हो सकता है लॉन्ग में आए। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है और इसके एप्लीकेशन के आधार पर किसी सोलेनोइड के लिए, वायर के लिए कैसे होगा, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे, लेकिन ओवरऑल ये 15 नंबर बना सकता है, ये याद रखना। तो सुनो, कैसे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक, क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भैया डेल डॉट बी वेक्टर बराबर होता है 0, यानी किसी वेक्टर का, ठीक है, जो डेल है, डेल का मतलब समझते हो क्या है। यहां पर देखो तीन चार चीजें आप समझ लो, जैसे जब भी कभी हम लोग क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लगा हुआ मान लिया इस तरीके से, ऐसे करके लिखा हुआ है क्रॉस करके, इसे बोलते हैं कर्ल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कर्ल बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जब भी कभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके डॉट लगाएंगे मेरे भाई, डॉट, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। और जब भी कभी कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही लिखा हो, इसे बोलते हैं ग्रेड। क्या बोले? ग्रेडियंट, यानी ग्रेड, ठीक। तो तीन चीजें, जब भी कभी क्रॉस लगा हुआ तो कर्ल, डॉट लगा हुआ हो तो डाइवर्जेंस, और कुछ नहीं लगा ऐसे लिखा हुआ तो ग्रेड यानी ग्रेडियंट। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ, कटा हुआ, डेल डॉट बी वेक्टर बराबर 0, यानी क्या लिखा हुआ, वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो 0 है। तो हमने क्या लिखा, वी हैव, यानी हम जानते हैं, ये तो हमें पता ही है, अब हमने और क्या लिखा, हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0, यानी किसी भी वेक्टर का अगर आप कर्ल निकाल लो, उसका डाइवर्जेंस निकाल लो, तो वो भी 0 होता है। कैसे शुरू किया हमने? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भैया अगर कोई वेक्टर है, उस वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होगा यानी डेल डॉट बी होगा, वो 0 होता है। तो इक्वेशन 1 बना ली हमने। फिर हमने लिखा कि वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल मतलब क्या बताया, क्रॉस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो देखो भैया, ए वेक्टर का क्रॉस लगा रखा है, यानी ये क्या है, ए वेक्टर का कर्ल है, और उसके साथ डॉट लगा रखा, तो ये क्या है, इसका डाइवर्जेंस हो गया, यानी किसी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस, बोलो किसी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होता है, 0 होता है। इसे बना ली हमने क्वेश्चन नंबर 2। फायदा ये हुआ, देखो इसमें डेल चल रहा है, इसमें भी डेल चल रहा है, इसमें 0 चल रहा है, इसमें भी 0 चल रहा है, इसमें बी वेक्टर चल रहा है और इसमें चल रहा है डेल क्रॉस ए वेक्टर, यानी इन दोनों का मान आपस में होएगा बराबर। तो वे बराबर होगा तो हमने लिखा इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से भैया बी वेक्टर का मान डेल क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। फिर हमने नीचे लिख दिया कि भैया यहां पे जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जहां पर जो ए वेक्टर है उस ए वेक्टर को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक। बहुत आसानी से करा, क्या करा बताओ हम लोगों ने, हमें पता है कि भैया किसी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो 0 होता है, और फिर उस वेक्टर का अगर कर्ल निकाल के डाइवर्जेंस निकाले तब भी 0 होता है। दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करा तो तुलना करी, डेल की जगह डेल, 0 की जगह 0, बी वेक्टर की जगह डेल क्रॉस ए है, तो यानी बी वेक्टर का मान डेल क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। जो ए होगा उसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भाई, ठीक। चलो अब इसे प्रूव करेंगे, कैसे निकालेंगे मान जरा समझना। देखो भाई, हमने लिखा फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट का लॉ क्या होता है हम आपको पढ़ाएंगे 102 दिन के अंदर, बहुत डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपने 12th में पढ़ा हुआ तो इतनी दिक्कत नहीं, बताओ क्या होता है, μ0/4πi डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होता था बायो सेवर्ट का नियम। लेकिन भैया अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे भाई, बी वेक्टर बराबर μ0/4πi इंटीग्रेशन डीएल इंटू आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। आर वेक्टर क्या है मेरे भाई, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिखा हुआ, वहां पे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे, डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, वो नॉर्मल फॉर्म में होता था, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब देखो हम करने वाले क्या है, हमने मान लिया वी है, बहुत ध्यान से सुनना बनना ऊपर से उड़ जाएगा ये, हमने मान लिया आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन कैसे मानते हैं भैया, एक्स अक्ष की तरफ एक्स आई, वाई की तरफ वाई जे, जेड की तरफ जेड के, ऐसे ही तो मानते हैं। तो हमने आर वेक्टर का मान मान लिया भैया एक्स आई, ध्यान से समझना, आर वेक्टर का मान मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लिया। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो भैया आर वेक्टर की अगर हम आर वेक्टर से ही डॉट गुणा कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा, किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से डॉट मल्टीप्लाई स्क्वायर के बराबर होती है। तो भैया अगर इसकी डॉट गुणा करेंगे तो डॉट गुणा का मतलब होता है कि सिर्फ आई वाले की आई से गुणा होती है, जे वाले की जे से, के वाले की के से। तो आई वाले की आई से होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, जे वाले की जे से आएगी तो वाई स्क्वायर आएगा, के वाले की के से तो जेड स्क्वायर आएगा, यानी
आर वेक्टर का मान अगर इतना है तो आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। क्यों? आर स्क्वायर का मतलब आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो अगर दोनों डॉट में चल रहा है तो यह मान हो जाएगा मेरे भाई। अगर यहां से स्क्वायर हटाएं तो पावर पलट जाती है, जब एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो पावर इधर से इधर जाएगी तो जो हो जाएगी उल्टी, यानी एक बटा दो आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, अगर हम इसे उल्टा कर दें, वन अपान आर का मान निकालें, तो वन अपान आर का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर इधर भी उल्टी हो जाएगी, माइनस का एक बटा दो पावर हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले देखो हमने करा क्या, हमने दो भैया रिलेशन लिए, दोनों को बराबर करके हमने एक मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद हमने देखा कि भैया जो बायो सेवर्ट का नियम है वो ये होता है। अब हमने देखा उसमें यार आर वेक्टर चल रहा है, तो उस आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कैसे मानते हो, एक्स वाई जेड के लिए मानोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हो माहित वाले हो। तो कुल मिला के मेरे भाई हमने आर वेक्टर का मान मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर स्क्वायर क्या होगा, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से आर और वन अपान आर का मान हमने निकाल लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा सिंस जो डेल वन अपान आर होगा, अब डेल वन अपान आर का मान भैया क्या है, देखो यहां डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगा तो जो ग्रेड है। अब देखो क्या करेंगे, डेल का मतलब होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये मान किसका है, डेल का है। वन अपान आर का मान देखो जो निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन अपान टू। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जब ये अंदर जाएगा तो जब ये अंदर जाएगा तो होगा क्या, जब मतलब कुल मिला के पहले तो ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा। डेल मतलब होता है पार्शियल, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। एक बार एक्स है तो सिर्फ एक्स का होगा, बाई है तो बाई का होगा, जेड है तो जेड होगा, बाकी फंक्शन जीरो हो जाएंगे। तो देखो भाई सबसे पहले तो एक्स की मुलाकात करवाओ, तो जब एक्स की मुलाकात होगी तो बताओ क्या कैसे होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का वन अपान टू है, माइनस का वन अपान टू आगे आ जाएगा, देखो आगे आगे आई चल रहा वो चलता रहेगा, माइनस का वन अपान टू आगे आ गया, एक घटा देते हैं भैया। ठीक, तो क्या करेंगे, माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया, इसमें से एक और घटा दिया, जब घटाएंगे तो माइनस का 3 अपॉन 2 हो गया। ऐसे तो होता है डिफरेंशिएशन, कैसे होता है बताओ भैया, डिफरेंशिएशन होता है कैसे, अगर लिखा हुआ x की पावर 3 तो 3 आगे ले आते हैं और एक कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो माइनस 1 अपॉन 2 आगे ले आए और माइनस 3 अपॉन 1 घटा दिया। उसके बाद ये पूरा अगर डायरेक्ट हो नहीं रहा भैया तो ये पूरा फंक्शन है ऐसे करके, तो इसका दोबारा से करेंगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कितना जाएगा 2x आ जाएगा, बाकी पार्शियली हो रहा तो ये दोनों का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो उसे हमने छोड़ दिया। अब क्या करा, अब जे इसके पास जाएगा भाई, इसके पास जाएगा तो सिर्फ बाई का होएगा, तो सिर्फ बाई का होगा तो क्या आएगा बताओ, सिर्फ 2y आ जाएगा, इसका 2y और बाकी सेम चल जाएगा। फिर ऐसे सिर्फ जेड का होगा तो 2z आ जाएगा, इस तरीके से सारे भैया 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, देखो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा। तो बचा क्या, बचा मेरे भाई ये माइनस का i बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस 3 अपॉन 2 बचा, संग में x बचा क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, ऐसे यहां पे y बचा और यहां पर z बचा मेरे भाई। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, हमने क्या करा है समझ रहे हो, r बनाया, बना पान आर बनाया उसकी डेल से यानी ग्रेड बनाया और उसे अब हल करना है। तो डेल बना पान आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई वैल्यू माइनस आई, एक्स स्क्वायर के संग में एक्स आ गया, बाई के संग में बाई आ गया, जेड और के संग में जेड आ गया भैया। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, जो सब जगह है उसे कॉमन ले लिया मेरे भाई, यहां से कॉमन। जैसे ही हमने कॉमन लिया, अब देखो भैया यहां पावर चल रही है आर स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, माइनस का 3/2। जब इस पूरे की पावर 1/2 है उसका मान है 1/r। ये देखो भैया इस पूरे का माइनस 1/2 पावर, इसका मान कितना 1/r है, या फिर कह दो 1/2 का मतलब r है। तो अब देखो इसे 1/r लिख लो चाहे r लिख लो, बात एक ही है, माइनस के संग में चल रहा और पावर कितनी चल रही 3, तो ये हो गया 1/r की पावर 3, सीधी सी बात है। तो इस पूरे की जगह पे हमने ऊपर से मान रख दिया, इसकी जगह मान रख दिया, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करा, देखो इक्वेशन नंबर 4 अपने पास क्या है बताओ, इक्वेशन नंबर 4 अपने पास है 1/r का मान, ये देखो b बराबर है μ0i/4πdl(r) यानी बायो सेवर्ट का नियम है, इसके अंदर हम लोग मान रखने वाले हैं। देखो कैसे, यहां देखो यहां कैसे रखेंगे मान, जरा देखना। सबसे पहले हम लोग हैं यहां पर 1/r का मान हमने निकाल लिया, डेल 1/r का मान निकाल लिया, सारी चीजें निकल आई। अब क्या करा, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 क्या है बताओ, b है μ0i/4π है, dl है चलला चलने दो, लेकिन चलला है r वेक्टर बटे r क्यूब, माइनस नहीं चलला तो माइनस जे वाला बाहर लगा दिया, r बटे r क्यूब की जगह पे लिख दिया डेल 1/r। ये देखो भाई, तो हमने बायो सेवर्ट के नियम को अपनी तरीके से कन्वर्ट करने के लिए इसका मान बनाया और ये मान लगे जो माइनस फालतू था उसे बाहर लगा दिया। ठीक, अब भैया वेक्टर आइडेंटिटी होती है, वेक्टर क्या होता है, अगर डेल 1/r (dl) चल रहा है तो कैसे आइडेंटिटी क्या है कि डेल क्रॉस डीएल अपान आर लिखो, माइनस का 1/r डेल क्रॉस डीएल लिख दो, लेकिन अपने पास भैया डेल 1/r (dl) नहीं चल रहा है, अपने पास डीएल पहले है
और डेल बन पाना बाद में है। तो भैया ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी को माइनस लगा के लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लगा जरूर लेंगे लेकिन एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ डीएल पहले है, यहाँ डीएल बाद में होता प्रॉपर्टी में। तो जो माइनस माइनस हो गया भाई देखना प्लस, जे प्लस हो गया और हमने या कह दो माइनस हमने पलट दिया, ये हो गया प्लस और ये वाली प्रॉपर्टी हमने रख दी डेल क्रॉस डीएल अपान आर माइनस वन अपान आर डेल क्रॉस डीएल। जैसे ही ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर रखी काम हो गया, लिख दिया डीएल इज लेंथ एलिमेंट, यानी जो डीएल है वो लंबाई का एलिमेंट है। इसका मतलब लंबाई जो है वो एक्स वाई जेड सब पे निर्भर नहीं करेगी। तो यानी डीएल इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जब ये लेंथ एलिमेंट तो एक्स वाई जेड सब पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी पूरे फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जब ये डिपेंड कर ही नहीं रहा तो डेल क्रॉस डीएल हो जाएगा जीरो, क्योंकि जब ये फंक्शन ही नहीं है मेरे भाई उसका, तो फिर बात खत्म है। आप डिफरेंशिएशन रखो ना, पार्शियली करोगे कुछ होएगा नहीं, जीरो हो जाएगा। तो डेल क्रॉस डीएल हो गया जीरो। जब ये यहां वाला हो गया जीरो तो सिर्फ ये मान बचेगा भैया डेल क्रॉस डीएल बटे आर, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, डेल को भैया बाहर लिख दिया, कॉन्स्टेंट को इसके साथ लिख दिया, इंटीग्रेशन लगा रहने दिया, डीएल बटे में आर लिख दिया। इक्वेशन नंबर मेरे भाई तीन कौन सी थी बताओ, इक्वेशन नंबर तीन में क्या चल रहा था बताओ। यहां देखो इक्वेशन नंबर तीन आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे आराम से देखना बैठ गया। इक्वेशन नंबर तीन क्या, बी बराबर डेल क्रॉस ए, डेल के संग में क्या चल रहा था, ए चल रहा था। और जो इक्वेशन नंबर नाइन अपनी आई है बताओ क्या आई है, इक्वेशन नंबर नाइन बराबर बी बराबर डेल क्रॉस दिस, यानी वहां डेल के संग में ए चल रहा है, यहाँ डेल के संग में ये चल रहा है, यानी ये जो संग में चल रहा है यही ए का मान है। तो ए बराबर आ गया म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई डीएल बटे में आर, जहां पे ए जो है वो कहलाता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, आराम से हो जाएगा, बस दो तीन बार इसे करके देखना। अगर मेरे भाई चैलेंज में आप इस वीडियो को देख रहे हो तो टेंशन ना लो, दो तीन वीडियो में इकट्ठी पब्लिक करेंगे। जो चैलेंज में दो तीन दिन पीछे हो गया, एक्चुअल में काम बहुत हो गया था, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप कोर्स में वीडियो देख रहे हो तो 10 से 12 दिनों के अंदर पूरा कोर्स आपका खत्म कर देंगे, बहुत तेजी से चीजों को चलाने वाले, क्योंकि अभी हमें दशहरा वगैरह की छुट्टी मिलने वाली, तो उसमें बहुत सारा काम हम कर लेंगे। और पीछे थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब थी, इस वजह से चीजें नहीं हो पाई, वरना आपको पता है यार अंधाधुंधी मचाने वाले आदमी हम दिन में चार चार दस दस वीडियो पब्लिक कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, कोर्स में देख रहा हूं तो यहीं पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।